आज के शुरू आपको मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा सभी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन को आपको बेहद ही आसान तरीके से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में पहले में क्या दिया है, यदि एक्स माइनस वाई बराबर फोर एक्स इंटू वाई बराबर थ्री, तो आपसे पूछा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान आपसे पूछा है, ठीक है। देखिए आपसे इसका मान पूछा है क्यूब के फॉर्म में पूछा है और यहाँ पे इस तरह से दिया है। अगर ये क्यूब के फॉर्म में पूछा है तो मैं करूँ क्या, इसको देखिए अगर मैं करूँ क्या, दोनों पक्षों का क्यूब कर दो, क्या कर दिया जाए, दोनों पक्षों का घन कर दिया जाए। जब क्यूब करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको दिखेगा। जब आप उसे प्रसार करेंगे तो क्या मिलता है आपको, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई हो जाएगा और एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्लियर है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आप दोनों पक्षों का क्यूब कर दूं तो ये इसका फॉर्मूला होता है, जब प्रसार करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी, ये माइनस, ठीक है। अब देखिए करने के, इधर जब क्यूब करेंगे तो चार का क्यूब कितना मिलेगा, चौसठ मिलेगा, इतना क्लियर है। अब देखिए इसी का तो मान आपसे पूछा गया है, इसी का मान आपसे पूछा गया, इतना क्लियर है। अब देखिए इसका मान दिया मुझे, इसका मान कितना दिया गया है, इसके स्थान पर कितना रख सकते हैं, थ्री रख सकते हैं, थ्री रख सकते हैं, तो तीन का तीन में गुणा करें कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, नौ मिलेगा, माइनस करना हो गया। और इसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं, चार रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, चार रख सकते हैं, और इक्वल टू कितना ही, सिक्सटी। अब की करना है कि इन दोनों का गुणा करो, छत्तीस हो गया, छत्तीस जाके इधर क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, इधर तो ये माइनस है लेकिन जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो दोनों को करना क्या, आपको एड कर लेना है। जब दोनों को एड करेंगे छत्तीस और चौसठ तो कितना मिल जाएगा, हंड्रेड मिल जाएगा, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि संख्या, अगर ये कोई संख्या है, ठीक है, छह से विभाज्य है तो के का सबसे बड़ा मान कितना हो सकता, इसमें आपसे ये पूछे। अगर ये कोई संख्या है और वो संख्या छह से विभाज्य है तो पूछा कि के के स्थान पे कौन सा मान रखा जा सकता है, जो ऑप्शन दिया गया है, सबसे बड़ा आपसे पूछा गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जो छह है, छह को आप ऐसे कर सकते हैं ब्रेक, क्या टू इंटू थ्री के रूप में कर सकते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो वहां पे आपको रूल्स ऑफ डिवीजन पढ़ाया था, मीन्स विभाजन का नियम आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए करना है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ये जो भी संख्या मिलेगी, ठीक है, इसको क्या करिए, आप सबसे पहले तीन से डिवाइड करिए, ठीक है, तीन से करना क्या, डिवाइड करना। सबसे पहले के का मान पूछा, तो के का मान देखिए दो, तो यहाँ के का मान देखिए दो से डिवाइड होना चाहिए। अगर यहाँ पे जो भी संख्या रखूंगा दो से डिवाइड होना चाहिए, इकाई इकाई कितना होना, यहाँ पे कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए, यानी ये संख्या कितनी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही रिजेक्ट हो गया, इतना क्लियर है। अब देखिए करना क्या, सबसे पहले तीन से आपको चेक करना है, तो तीन से विभाजन का नियम होता है, जैसे ये तीन हो गया आपका ये कटेगा, ये छह भी तो कटेगा, कट जाएगा, जैसे ये कितना हो गया पांच चार नौ, नौ भी तो तीन से कटेगा, तो अब बचा क्या, देखिए ये और ये बचा, यानी के और के इन दोनों का मान कितना रखा जाए ताकि दोनों को जोड़ने के बाद आपको तीन से डिवाइड हो जाए, कितना रखा जाए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं के का मान कितना रखूं, आठ रखूं, आठ यहां पे रख दूं, आठ यहां पे रख दूं, क्या इन दोनों को ऐड करने के बाद तीन से कटेगा, क्या नहीं कटेगा, तो आठ तो होगा नहीं। चार को रखे चेक करते हैं, अगर आप चार रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चार चार आठ, क्या चार चार आठ जो दोनों को जोड़ेंगे तो आठ मिलेगा, आठ क्या तीन से विभाज्य होगा, क्या नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, सिक्स यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही है। चेक लिए जैसे यहाँ पे छह रखते हो, यहाँ पे छह 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 बारह, बारह हो गए कि नहीं, और ये तीन से विभाज्य होगा, तो आप बता सकते हैं कि के का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है जो ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग, तो सिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन फोर देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में इस तरह से दिया है और पूछा कि आपसे इसका मान आपसे पूछा, यानी 8c रेशियो 5c का मान आपसे पूछा, तो
तो सबसे पहले हम करें क्या, ए और सी का मान एग्जैक्ट पता करें। जब मुझे ए और सी का एग्जैक्ट मान पता चल जाएगा तो इसमें रख के कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखिए, ए रेशियो बी का मान इतना दिया है और बी रेशियो सी का मान इतना दिया। यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को ये फॉलो करा। तो अब हम लोग करते क्या है, जैसे कि यहाँ पे बी का मान कितना है, 7 है, और यहाँ पे बी का मान कितना, 8 है। तो बी का हम लोग करते क्या, बी का एग्जैक्ट मान पता करते हैं। तो कैसे एग्जैक्ट मान पता करेंगे, मैं बता रहा हूं। बी सी आपको करना क्या, पहले का पहले में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करें 5/8 कितना हो गया, 40 हो गया। इतना क्लियर है, आपने पहली बार गुणा किया तो पहली बार में इसका पहला क्या हो गया, इसे रिजेक्ट हो गया। इसका इसमें गुणा करें 7/8 कितना हो गया, 56 हो गया। दूसरी बार में इसका पहला क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब जो बच गए हैं उनका आपस में गुणा कर लीजिए, उनका करना कि आप आपस में गुणा करिए। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 15 कितना होता है, 105। 15 कितना होता है, 105। क्लियर है। अब देखिए ये कट के छोटा होंगे क्या, किसी एक संख्या से ये सब कटेंगे क्या, तो मैं देख रहा हूं किसी एक संख्या से ये नहीं कटेगा। 5 से ये कटेगा, 5 से ये कटेगा, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा। 2 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, लेकिन 2 से आपका ये नहीं कटेगा। ठीक है, यानी मैं देख रहा हूं नहीं कटेगा। तो हम क्या करते, कह सकते हैं कि ए और सी का मान यही है, इससे छोटा तो होगा नहीं। तो ए बी सी का मान आपको पता चल गया, अब इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। सी का मान कितना है, ये 105 है, और ए का मान कितना है, 40 है। तो इसमें रख के सॉल्व करते हैं, सी का मान कितना, 105 रेशियो ए का मान कितना, ये 40 है। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। अगर देखिए मैं इसको डिवाइड कर दू यहां से, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 8/25 40। क्लियर है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा, और 5 × 5, और इधर कितना हो जाएगा, 5। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन के इसका मैच कर। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी SSC में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन 5 में इस तरह से दिया है, तो के का मान पूछा है, यानी अगर इतने बराबर के है तो के का मान आपसे पूछा है, के का मान क्या होगा। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1+cos θ है कि नहीं। अगर मैं इसमें से क्या कर दू, माइनस कॉमन ले लू, माइनस क्या कर दू, कॉमन ले लू। कॉमन क्यों ले रहा हूं, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मुझे मिलेगा कि यहां से cosec² θ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लू तो माइनस सबसे पहले आ जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लूंगा और माइनस को पहले कर दे रहा हूं तो माइनस हो गया। अगर माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 − cos θ हो जाएगा, और यहां से 1+cos θ हो जाएगा। इतना क्लियर है, इक्वल टू के। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये फार्मूला दिख रहा है, a² − b² का फार्मूला दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आप करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, −cos²θ। ठीक है, ये चीज। और इसके बराबर होता क्या आपका, जैसे आपको पता होगा कि sin²θ + cos²θ बराबर क्या होता है, हमारा 1 होता है। होता कि नहीं होता, sin²θ + cos²θ बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए इसने किया कि इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, जब ये इधर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां से sin² बराबर आपका ये बचे कि नहीं बचेगा, 1 − cos²। तो कह सकते हैं कि इसका मान किसके बराबर होगा, sin²θ के बराबर होगा कि नहीं, sin²θ के बराबर होगा। क्लियर है ना, sin²θ के बराबर होगा। तो हम लोग करके आ सकते हैं, इस पूरे के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, sin²θ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां से −cosec²θ × cosec²θ × ये क्या है, sin²θ, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोशिक बराबर पूछो तो कोशिक बराबर क्या होता है, 1 अपान साइन होता है। ठीक है, 1 अपान साइन²θ हो जाएगा। तो यानी एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, तो ये कट जाएंगे आपस में, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसका आंसर कितना बचेगा, −1 आ जाएगा। के का मान आपको कितना पता चल गया, −1। डी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को ₹960 में 6 kg अधिक चीनी मिलती है, चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य कितना है, इसमें आपसे ये पूछा। देखिए कर क्या रहा है, सुधीर क्या कर रहा है,
पहले क्या कर, जब चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो सुधीर क्या करे, इतने रुपए में इतना केजी चीनी अधिक खरीद रहा है। तो आपसे पूछा कि प्रति केजी चीनी का घटा हुआ मूल्य आपसे पूछा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन है कि आपको परसेंटेज चैप्टर में देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में इसका एक अलग से कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर क्वेश्चंस को मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व कराया था, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है परसेंटेज वाली मेरी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर परसेंटेज की कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं परसेंटेज चैप्टर को, ठीक है। अब देखिए करने के सबसे पहले करिए क्या, आप इसका अगर आप इसका निकालेंगे 960 का क्या करिए, कितने परसेंट की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी, और 20% की कमी बराबर ही तो ये मिला कि नहीं मिला, परसेंटेज हटाऊंगा तो बटा ये कितना देगा, 100 देगा। इतने की कमी बराबर कितना मिला, 6 kg चीनी अधिक मिली, यानी ये 6 kg का दाम, ये इतने कमी बराबर, जैसे अगर इसका 20% निकालूंगा तो जो भी आएगा इसी के बराबर 6 kg चीनी अधिक मिले। तो आपसे पूछा क्या, चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य, अगर 6 kg का दाम इतना है तो 1 kg का दाम पता करने के लिए इसमें क्या करें, 6 से भाग दीजिए, ठीक है। जैसे इसका 20% निकालूंगा तो ये 6, इसका 20% निकालूंगा तो इसी के बराबर तो 6 kg चीनी मिले कि नहीं मिली, तो 6 kg की चीनी मिली। तो 1 kg का दाम पता करने के लिए इसमें क्या करिए, 6 से डिवाइड कर दिए। अब इसका कैलकुलेशन करिए, ये करके अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 6 कम 6 हो गया 3, इधर के 6 6 के 36, इन दोनों का गुणा कर लूं, 16 दुना कितना हो गया, 32, 16 दुना कितना हो गया, 32 रुपया प्रति केजी, ये इसका आंसर आ गया। यानी आप बता सकते हैं कि चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना प्रति, कितना रुपया प्रति केजी है, 32 रुपये प्रति केजी है। डी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में 960 रुपये अंकित मूल्य वाली एक जींस 816 रुपये में बेची जाती है, दुकानदार द्वारा दिए गए बट्टे का प्रतिशत कितना है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन SSC CHSL में पूछा है क्वेश्चन। देखिए जींस का अंकित मूल्य इतना है और इसे बेच रहा कितने, इतने रुपए में बेच रहा, तो पूछा कितने रुपए की छूट दी गई, अगर रुपए में दिखाए तो रुपए में कितने रुपए की ये छूट दे रहा, दोनों का अंतर करिए, तो कितने रुपए की छूट दे रहा, 144 रुपए की छूट दे रहा है। अब इसी को क्या बताना, आपको परसेंटेज में बताना है। तो यहां से देखा जाए अंकित मूल्य कितना है, जो टोटल प्राइस है कितना है, 900 क्या है, 60, इससे डिवाइड कर दीजिए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल कर लीजिए। ये 0 से 0 कट गया, देखिए 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, 12 बराबर 144 होता है, 12 बटे 96 होता है, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 3 12 हो गया, 4 2 8, इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 5 5 3 कितना हो जाएगा, ये 15, यानी कितने परसेंट की छूट दी गई, 15% की छूट दी गई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, बी ऑप्शन का मैच करा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद इतने रुपए तथा 5 वर्ष के बाद इतने रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए कोई धन है जो 2 वर्षों के बाद इतना हो जाता है, यानी ये क्या मिश्र धन है, इसमें मूलधन शामिल है और ब्याज भी इंक्लूड है, तो आप लिख सकते हैं कि 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया गया, 9920 रुपये दिया गया। फिर क्या कहा, 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है वो धन, 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, ये 12800 रुपये हो जा रहा है, क्लियर है। देखिए करना है कि इसमें, देखिए इसमें 2 वर्ष का मिश्र धन है, मिश्र धन और ब्याज शामिल है, इसमें क्या है, ये 5 वर्ष का मिश्र धन यानी मूलधन और ब्याज शामिल है, अगर मैं इसको घटा लूं तो ये कितना मिल जाएगा, 3 वर्ष मिल जाएगा, इसको भी यहां से घटा लूं तो मुझे 3 वर्ष का ब्याज पता चलेगा, इसको क्या करूं यहां से घटा लूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा ये, 2880 रुपये, क्लियर है, 3 वर्ष का ब्याज इतना पता चल गया। और मुझे ये भी पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है, अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो मुझे 1 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा, तो ये 3 × 9 = 27 हो गया और 3 × 6 = 18 कितना मिल गया, 960 रुपये, इतना क्लियर है, 1 वर्ष का ब्याज मुझे पता चल गया। अब इसमें देखिए शामिल क्या है, इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और 2 वर्ष का ब्याज शामिल है, अगर 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा,
अगर मैं इसका डबल करके इसमें से घटा लूं तो मुझे मूलधन पता चल जाएगा। इसका डबल करिए कितना हो जाएगा, ये 96 का डबल करना आपको, तो यहां से 2 6 12 हो गया, 2 9 18 1 19 हो गया। इतना क्लियर है? अब इसको यहां से जब आप घटा लेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, मूलधन आपको पता चल जाएगा। आपको क्या पता चल जाएगा, मूलधन आपको पता चल जाएगा। तो जब इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, देखिए कितना है, 920 920, यहां से कितना मिलेगा, ये 8000 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 8000 मिलेगा। और इसी पे कितना एक वर्ष का ब्याज बन रहा है, 960 रुपए ब्याज बन रहा है, 960 रुपए ब्याज बन रहा है। टोटल धन इतना है और ब्याज कितना बन रहा है एक वर्ष का, 960। ये जो ब्याज बन रहा है किस रेट से बन रहा है, यही आपसे पूछा है, तो इसे प्रतिशत में आप कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए करना क्या है, एक वर्ष का जो ब्याज मिला इसको मैंने ऊपर लिख लिया, अब जो टोटल मूलधन इससे मैंने डिवाइड कर दिया तो मुझे ये पता चल जाएगा, और 100 से मैंने गुणा भी कर लिया, मुझे ये पता चल जाएगा परसेंटेज की दर क्या है, आपको पता चल जाएगा। देखिए ये कट गया इससे, इसको डिवाइड कर दूं, क्लियर है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 8 1 8 8 2 16, रेट आपको कितना पता चल गई, 12% वार्षिक है। रेट कितना पता चले आपको, 12% वार्षिक है। सी ऑप्शन की इसका मैच कर रहा है, ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।